हरियाणा में पंचायती चुनाव की जो भावी सरपंच हैं जमा कसूती बाट देखने लग रहे हैं, और गामा में भाई और भी हैं जो सारे बाट देखे हैं कि पंचायती चुनाव कब होंगे, क्योंकि लगभग 2 साल है जो लेट चल रहे हैं पंचायती चुनाव। तो मेरे साथ दादा पालड़ जी इनता बातचीत करेंगे, पंचायती आदमी हैं, गामा में पंचायत में जाओ सारा घूमे फिर हैं, तो इनता पूछेंगे भाई के माहौल चल रहा है पंचायती चुनाव को लेकर ना, और सरकार डेट क्यों नहीं देने लग रही है, गामा का विकास रुक रहा है, तो उसको लेकर बातचीत करेंगे। राम राम दादा। राम राम भाई। दादा जुकर पंचायती चुनाव की जमा गामा में कसूती बाट देखने लग रहे हैं, और सरकार लगातार डेट दें दी को नहीं आगे आगे बढ़ाए दे है, तो के कहना चाहोगे के मनसा लागे सरकार की इसके पास? मनसा यह है जितना पैसा इसमें गाड़ा में बना है सारा सरकार ने बना है, बीच में सरपंच का हिस्सा होया करता खा जाता वो सारा लिखने लग रहा है। सरकार अपने पैसे किसे नमीन छोड़ दी, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सरपंच ही बेच दी, लंबरदारी बेच दी, किसी ने रहने दे गया। सरकार की एक ऐसी नीति अपनी मुट्ठी में रखी सब के आएंगे, या सरकार कुछ भी नहीं बनते, चलो ये भी डेट लो ला रही, असल तो कराते को नहीं पंचायत चुनाव, अगर हो गए तो इबके भी कहोगे आगे चुनाव नहीं होगे, मोदी आ गया तो यह न्यू कहीं ठप होना है, लंबरदारी भी खत्म है, दोबारा सरकार आएंगे न्यू कहीं नहीं भाई आकर नए नहीं बनाओगे ये रहेंगे, इनके जूंदे जूंदे कांटा लगना है, लंबरदारी भी नहीं रहेगी और यह भी नहीं रहेगी। सरकारी आदमी आओगे, सरकारी आदमी कामकाज ने सामने जुगर पहली सेक्रेटरी सरपंच तो रहा करता सीधा BDO का जाओ या उसके SDM का जाओ, ओडर जाकर मांग करो, 50 बार मांग कर दी, एक पतली गली है पूरा काम लिख रहा है, यह चतरे को दौड़ो लिखने लग रही, इस गाड़ का आज तक कुछ नहीं करा, पाइप दब के गोडे डूंगी होगी उसमें और बैर तो माटी गेड़ के मसा ठीक करी है, उसमें चीकड़ रहा है, कोई सुनाई नहीं, सरपंच होता है गाड़ बनते हैं। हाँ गांव का तो देख ले भैया जरूरी है सारा काम लिखड़ो रो गांव उती बच्चा बच्चा कहते हैं, ये 5-4 जने हमें जाएगा SDM का दरखास्त दावा हाँ, और SDM कह दे जी आपकी सुनाई होगी, वो 2-4 गुग्गी मारा है और ऑर्डर पेंडिंग में गेड़ दे है, कोई काम नहीं बनेगा, कुछ भी कोई काम नहीं बनेगा, जिसकी पहुँच है वो एक आधी गली कराए करा ले, बाकी कोने का काम कौन बने रहे काम के, विकास ठिप्स है और बस सरपंच पूरी बात देखें बेचारे खर्चा लाओ हैं को होगी लगाए जाओ खर्चा कुछ नहीं, आगे काम भी नहीं कुछ नहीं, सरपंच ने 2-4 लाख का ग्रांट दे गवर्नमेंट करेगी काम भी, आगे भी ये स्थिति रहेगी, ये को नहीं किसे ने भी नहीं आने दी है, इनकी मनसा जो है अरबा हम तो खुश हो रहे हैं तिरंगा तला तिरंगा औजाद हो गए हमारे 3-3.5 लाख जवान मर लिए शहीद हो गए, तो हमने कई फायदा उठाया, हमारी पब्लिक आज भी गुलाम है, उस दिन भी गुलाम थी और आगे भी गुलाम रहेगी, कोई आ जाओ देख दादा फिर नू तो या गामा में जो चौधर होया कर दी भाई सरपंच बनाएंगे नंबरदार बनाएंगे खत्म ही हो जाएगी, खत्म तो होनी है या खत्म खातिर तो इसकी चाल रही है, रेलवे महकमा था, रोडवेज थी, सारे महकमे थे, अपने अपने महकमे के आप बन सलाह कर दे, ये मेरी देखत की बात है, खुद GM लगा दिंदा, पुलिस में लगा दिंदा, SP लगा दिंदा, ये सारा मंत्रियों का हाथ में काम आ गया, सबकी पेंशन काट दी, एक आदमी न्यू समझ के चलो अब 20-22 साल सर्विस करेगा, खूब अपना तन मन धन तो जवानी काम में खो दी, उसको तो न्यू कह बचा करा, एक को वोट दे के जिता दिया उसकी पेंशन, दूसरे जिता दिया फिर डबल पेंशन, मंत्री बन गया फिर उसका डबल पेंशन, कहता भाई ये हाल में चल रहे हैं, एक आंडे आंड के पैसे इनके दो, वोट तो हम दिया हाँ, चलो वोट देनी है पेंशन होनी चाहिए, हमें उत्ती बना था उनकी पेंशन करो, इनकी पेंशन कहेंगे ना कि क्यों, इनका हाथ में कलम है, जो कानून बनाओगे बना देंगे, कोई मास्टर है जवान है मिलिट्री वाले 4 साल की कर दी कौन लड़ेगा रहे, दूसरा दुश्मन आ गया चढ़ के आ गया बाइक जिंग आके तो इनकी बेबे गोटी है, ये तो 4 साल के हैं क्यों लड़ेंगे, खानदानी फौजी था जो बहन जो अपनी जैन जो दिंदा देश के लिए, ये कौन जो कहें, ये तो किराए के टट्टू हो गए हैं के मतलब हिंदी, 4 साल गए सीधी 4 साल आई पैसे दे के लगना, जो होमगार्ड में ला गया करते उनके पैसे, गैस टीचर ला के उनके पैसे, ये तो एक LC काम है, DC रेट पर ला के उनके पैसे पैसे ले लेंगे, होमगार्ड में एक वीडियो चल रही है कि 2 लाख रुपये लगेंगे होमगार्ड, हाँ लगे हैं 2 लाख के 5 का रेट होना है, यू 2 तो शुरुआत है, जब देने लायक जाएंगे 5 का रेट हो जाएगा, जो ये काम बन लायक रहे सरकार की मुट्ठी में है, 5-6 ये लड़की लागी थी नरस उसकी, अच्छा इसकी फिर के सिस्टम होया, प्रूफ है मेरे पास लड़की लागी का, 11 का ग्रुप बनाओ एक लड़कियां का, 11 लड़कियां के 1,11,000 रुपये, 11 लड़कियां 11 लाख रुपये, 11 लाख का ग्रुप बना के कितने रुपये बेटियों हैं, करोड़ तो ऊपर गए, अमित शाह से मिलो और वो लड़कियाँ लग गए, न्यू लगी हैं 5-6 नर्स,
हम इस छा को लगाए हैं ग्रुप बना बना के, क्यों तो एक लड़की 11 लाख में तो कहीं लगा हुआ है, करोड़ों रुपये बर्थल बांधो और उस पर लगो। ये सारे वरिष्ठ इससे वरिष्ठ सरकार और ना थी ना गा हो गए। देखो लगभग 75 साल होगी देश ना आजाद हो, 85 चुनाव है इब, लग इतने लेट नहीं हुए होंगे, जो कर 2-2.5 साल हो गए नहीं इब, कदे भी कौन नहीं हो इतने लेट गणा तो गणा भी ना दो भी नहीं कोई 8-60 हो गया नहीं होया करता। और यू ते के लेट लेट कह रहे हो के लेट लागेगी, यू तो जोड़ होना है, अगर ये असल तो इबके को नहीं होते हैं, इसकी आगे आगे चलाएं जाएंगे, इबके हो गए तो आगे चुनाव नहीं होंगे, इसकी फुल पावर में आज ही आगे 24 में चुनाव बिल्कुल चुनाव नाम की चीज़ें को नहीं रहेगी, सरकारी आदमी होंगे भाई, यू इसका ग्राम सेवक हो गया, यू इसका प्रभारी हो गया, इसका हाथम हो गया, ऊपर मंत्री होंगे, उनका इशारे पर काम बनेगा, जो हिस्सा सरपंच का होगा तो हिस्सा उस मंत्री बचेगा, पूरे काम यू बनेगा बस, और जो उनके खास होंगे नायर पकड़नी होंगे उनके काम बनेंगे, तेरे मेरे काम नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। देखो लगभग 2 साल होगी अपना गाँव कोत कला में कुछ काम होया है? नहीं कुछ भी नहीं होया, कुछ भी काम नहीं हुआ, जमा सारा गोडे चिकड़ है, गलिया में सारा गोडे चिकड़ है, जो फूटी पड़ी है, सरपंच की गली बनाई है, चांदी सरपंच होया करता मौके पर उसकी गाल काटी है ये, और उस दिन के बाद उसका वो ले गए हैं, उस दिन के बाद हमारे कोई काम नहीं हुआ, और हमारे चक्कर नानंद के कई कई लाग लिए, प्रशासन भी सही ढंग ना ना सवाल पैदा नहीं, प्रशासन बात करे बहुत है इसके बात करे है, लिख दे है और लिख होती उसमें रद्दी टोकरी में गिरा है, आँखें देख का काम को नहीं बनता, काम नहीं बनता लिखत हुआ है, लिखत करी रद्दी टोकरी में गई, कोई भी काम है चाहे टुकड़ा है कोई, मैं यो रोड बना है बड़ोदाली सड़क इसका टुकड़ा रह रहा है, मैं न्यू नहीं कहता भाई तीना का रोड़ा हो रहा है किसे का न्यू कर, मैं न्यू बोलिया जड़ा को तो हमने ठीक ला गए, गवर्नमेंट खड़ी होकर निकाल दो, हमने पैसे करे 4 लाख रुपये या सेड़ी खेड़े में बड़ोदे सीमा बंद थी, चंदा करके खसम को पैसे देकर रजिस्ट्री करवा दी रोड वाले नाम, यू रोड बन गया, हमने बनेगा कैचा है एक आधा किले का अरे बंद है, गंडे की ट्रैली लेगा वहाँ हाँ खड़िया मोड़ा पड़न का खतरा रहे के राह बाड़े राय मुंद गया नहीं बात की है, एस डी एम कह दरखास्त 3 बार दे ली, मैंने हम किसे पर दरखास्त नहीं देंगे, 3 आदमी है तीनों आप कोसे पर दरखास्त नहीं, जड़ा को आपने सही लगे कोड़ो को रोड निकाल दो, हमारा इस रोड में मिला दो, और तो बहुत लंबे चौड़े काम हो है, सिर्फ 100 फुट का टुकड़ा उसे की सुनाई नहीं करे के करेंगे, जापक जी उतर लिया भाई महकमे दे भी और इस सरकार दे भी, इब तो न्यू जी करे है मौत आज अच्छा भाई सही करदारा में जीव के भी कि मेरा तो न्यू जी करे जो काम में नहीं बनते किसी भैन चो मैन काम जायज काम और नहीं बनता और की करेंगे, गली है पूरे गाँव की गली है, या फलाने ने दे दे दरखास्त हो जाए ली, पुराने सरपंच ने दरखास्त दे ली, ज्वाइंट कर करके कमेटी ने दरखास्त दे ली, तो काम में नहीं बन गया की बनेगा, एक सरपंच का छठदम कर दिया है, शान ने रोटी खाई जाए खड़े हुए दोबारा मजबूरी में करनी पड़े सरपंच मजबूरी हो जाए सरपंच की तो मैं तनाई दिया करना पड़ेगा काम, मारी इस गाल पे अड्डाली गाल पे सरपंच बिल्कुल एक दिन लगता है नाइट गया था, सांझे ने सारी उन आगे तो कह दे जाट नाटे हैं, उन आगे कह दे वाल्मीकि नाटे, उन आगे कह दे चमार नाटे, 3 जात पड़े इस पे, तीनों ने फद्दू बनाए रहा, मैं ले जाएगा सारे ने बटड़े करके रोड़े ले गया, वो से नाटे मैं बता ओड़े ठेकेदार ओड़े सरपंच, सरपंच बोलिया भाई कुछ नहीं पीछे को नहीं आ रहे, फिर महाराज दूध क्यों बचवा हुआ है, जुए गाल बनानी पड़ी सरपंच ने, क्यों सरपंच था गाँव का है शर्मा होगा, अफसर के शर्मा होगा हमारा है के समझा हमने के वैल्यू मारी अफसर तो रहे एस डी एम तो हमारी को वैल्यू है हर काम का तोड़ दो वैल्यू अब रोबरी है भाई हमारे, यू काम बिल्कुल साढ़े सत्ता नाश करा क्या भाई सरकार ने सबे कहेंगा करा क्या है, एक बात की को नहीं मनस ने जंगल पानी जाएगा जो भी लाइसेंस मांगेंगे आगे ऐसा काम बनेगा बस जंगल पानी जाओ ले टोकन दे सांस के भी के पैसे लागेंगे तो सांस क्यों ले है, दूध वाली के भी टैक्स दो फलानी के भी टैक्स दो के बाद में तेरा फूफा ले रखी है मारा सौदा हाँ मैं पालन वाले और तन्ने टैक्स दिया दूध वाली का तो इसका मतलब बंदी बनकर रहना बैठे जिसने जूना है आदत गेड़ो बंदी की फिर तो आप आज भी गुलाम हावी आज गणे गुलाम हा अंग्रेजा टाइम पर गुलाम नहीं दे इतने किसी ने थप्पड़ मार दिया उसका हाथ कटा दे अंग्रेज किसी ने फांसी तोड़ दिया उड़े ले आगे फांसी तोड़िया न्याय व्यवस्था बहुत सख्त कानून थे 12 बजे टाइम दे दिया 12 बजे मंत्री आ करता आज 12 का टाइम देगा सारी सर पब्लिक बैठी रहने का कैंसिल हो गया तो प्रोग्राम ये को तुक्स मेरा रैली करने जाओ पंजाब में आगे सीट खाली पाओ लोग लैके उल्टी पड़ी
कुछ नहीं रहा, उड़े सीट खाली, कुर्सी खाली पड़ी थी, लोग गए को नहीं। हाँ, लोग को नहीं गए, वो बहाना ले गए, वो बेचारे रैली करे जाएगा उसमें जाएगा, उसे प्रधानमंत्री का रास्ता फिक्स होता है उड़ो को जाऊगा, अरे उनमें जाए बढ़िया। इतने घंटे खड़े रहा, मारनी आई थी भून भूंदे उड़े, ये सब गलती बात से गलत बात कर रहे हैं। कांग्रेस थी वह एक बरस थी खाया करती, फिर उसमें युवा तो बन गया, बता हमने जमाए छीन नहीं, इनकी सांस बंद कर दिया, पब्लिक का सांस बंद, और करेगी और भी करेगी, वो गई। ठीक है, ठीक है। तो भाई आपने दादा के विचार सुने हैं पंचायती चुनाव को लेकर ना, जो इनती बताया है, तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।